तो बंद है, फिर अमृता कहाँ जा सकती है? उठिए, उठिए ना। क्या हुआ? अमृता। क्या हुआ अमृता? पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ जा सकती हो? पता नहीं। अमृता? 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 काका साहब। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? काका साहब, अमृता कमरे से गायब है। क्या? हे भगवान, कहीं उस प्यारी सी बच्ची को कुछ हो न गया। कुछ भी बोलती हैं क्या आप? अरे ऐसा मत कहिए काका साहब। ईश्वर हमसे खुशियां देके हमसे इतनी जल्दी नहीं छीन सकता। बेटी रो मत। अरे यही कहीं होगी अमृता, कहाँ जाएगी? देखो तुम दिल छोटा मत करो। हाँ मारो, अमृता को ढूंढो, देखो कहाँ है वो। तू जा ऊपर, तू अंदर जा, तू जा पीछे जा। बेटे तू फिकर मत करो, मिल जाएगी। ये सारा हंगामा मेरे कारण हुआ है, मुझे कमरे में जाना होगा। अमृता, इंसानी रूप में आ गई तो क्या कहूंगी? बंद दरवाजे से बाहर कैसे आ गई? पर अंदर जाऊं कैसे? अगर किसी ने मुझे नाग रूप में देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं नहीं मिली। हुकुम, बच्चे तो कमरे में ही है। तो ये उठी क्यों नहीं? अरे बच्ची है, गहरी नींद में नीचे गिर गई होगी। अब हम बड़ों की तरह इनकी जिंदगी में परेशानियां थोड़ी ना है जो नींद में चौंक कर उठ जाए। हैं? भगवान का शुक्र मानिए कि इसे चोट नहीं लगी, ठीक ठाक है। अब आप लोग भी आराम कीजिए। चलिए। हाँ चलिए। हाँ उठाइए ना। Thank you.
बज गई, पर आगे क्या होगा? मुझे तो हमेशा सुबह 12 बजे और रात 12 बजे नाग रूप में बदलना होगा। कब तक बचाऊंगी अपने आप को? मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा, वरना मेरा रास खुल जाएगा। साने तो कहा था कि वो देर से आएंगे। जी, परेशानी के कारण नींद नहीं आ रही। ऐसी क्या परेशानी? जब वो आकर देखेंगे कि उनकी सालों से इकट्ठी की हुई चीजें जलकर राख हो गई हैं, तो क्या होगा? अर्चना, आप तो जानती हैं, इस घर में मासा का हुक्म हम सबके लिए पत्थर की लकीर है। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, और ये बात तो देवर साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं ना। तक जाग रही है? हमने कितनी बार कहा है कि हमारा इंतजार मत किया कीजिए। चिंता मत कीजिए, जाइए कुछ खाने पीने के लिए पूछिए, और फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमें भी नींद आ रही है। जी साधना और तपस्या के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। मानसा के कहने पे ये सब जला दिया गया। हमने कोशिश की थी, भाईसा को भी लेकर आए थे, पर उन्हें रोक नहीं पाए। किताबों के जला देने से मानसा हमें हमारे इरादों से दूर नहीं करते। अब हमें उन किताबों की जरूरत नहीं है। हमारी असली शक्ति तो नागमानी। पल में चलकर खाक हो गई और वो शांत हैं।
ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण हो सकता है? ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। ओके बेटा, चले चलो। हमें से कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं ही लेने जाती हूँ। नहीं बेटी, आप भी मत जाइए उस कमरे में। क्यों? अगर मैं बॉल लेने नहीं जाऊंगी तो हम लोग खेलेंगे कैसे? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी बॉल लेकर आती हूँ। क्या कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे के अंदर? निकल जाओ यहाँ से। दोबारा कदम रखने की कोशिश भी मत करना। निकलो।
रघु जी का किसा सर इनसे पूछिए कि जूस पियेंगे क्या तेरे लिए ये डॉक्टर की दवा सही नहीं है सरोज तेरे लिए तो ये जड़ी बूटी ही सही है जब तक मैं यहाँ हूँ तू अपनी माँ बनने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे या फिर सपना देखती है तेरा अपना भी कोई बच्चा सपने देखने में क्या बुराई है मगर जब तक मैं यहाँ हूँ तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी लेकिन हाँ मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगी इस जायदाद को अपने नाम करवाने के सपने को जल्दी रुको जल्दी दीजिए थोड़ा वक्त लगेगा अच्छा तो मैं वो लेकर आती हूँ ठीक है भाई खेल बहुत हो गया थोड़ा बहुत अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा करो चलो जूस पियो काकी साहब रख दीजिए ना हम बाद में पी लेंगे अरे रोज तो अपनी नजरों के सामने पिलाकर जाती हूँ मैं आज भी पिला कर जाऊंगी मुझे पता है हाँ तुम तो अपनी तबीयत का ख्याल रखोगी नहीं मुझे तो रखना पड़ेगा ना लो बेटा जूस पी लो काकी साहब रख दीजिए ना हम पी लेंगे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ बेटी आज तो मैं तुम्हें जूस पिला कर ही जाऊंगी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी लो इस क्लास में जरूर कुछ है कुछ ऐसा जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है पर क्या मैं इन्हें ये पीने नहीं दूंगी इन्हें रोकना होगा